कैसे हैं आप सर? उम्मीद आप सब खरीद से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी पोटैटो एंड एग कटलेट्स। इसके लिए मैंने जो है 4 बड़े आलू ले लिए थे, इनको मैश कर लिया है। इसके अलावा हमने 2 अंडे ले लिए जी, इनको हमने बॉईल कर लिया था। इसके अलावा जो है हमने धनिया, सब्ज मिर्च, चाट मसाला, लाल मिर्च, इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक ले लिए है। अब इसको आप लोगों ने नमक वगैरह सारे जितनी भी चीज़ें थी, नमक, चाट मसाला, इसके अलावा सुर्ख मिर्च थी, हल्दी थी, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा धनिया जो था, सब्ज़ धनिया और सब्ज मिर्च शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल करेंगे। ये देखिए धनिया की वजह से कितना एक अच्छा कलर आ रहा है इसमें। ने उसको ऐसे रख के इसके अंदर आप लोगों ने जी अंडा रख के, तो इसको ऐसे आप लोगों ने बनाना है। ये देखें, ये देखें ऐसे आप लोगों ने भी बना लेने हैं। ये देखें कोटिंग के लिए जी हमने 1 चम्मच मैदा लिया है और उसके अंदर जी हमने पानी शामिल किया है, साथ ही हमने नमक डाल दिया है और काली मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे इस तरह। ये देखें ये देखें ये देखें के ऊपर हमने लगाने के लिए जी लेस ले लिए है बेबी, और इसके हम लोग क्रम्स बना के तो इस पर लगाएंगे, इससे बहुत मजे का टेस्ट आएगा। ये देखें, अच्छा आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं या किसी भी फ्लेवर के कोई भी जो चिप्स हैं वो आप ले सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ लेंगे। ये देखें अब इसके ऊपर आप जब इसके क्रम्स लगाएंगे, ये देखें आप इसको अच्छे से कोट कर लेंगे क्रम्स के साथ। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत क्रंची होगा। इसको हमने 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं गरम ऑयल में। ये देखें इसकी एक साइड पक गई है तो हमने पलट दिया है। ये देखें आप, ये देखें ये रेडी हो चुका है। ये देखें